वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर के। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं लेकर के आऊँ, वो भी आज, क्योंकि आज ईद है। आप सभी को ईद मुबारक, जो लोग ईद मनाते हैं उन सभी को ईद मुबारक। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो मैं मेकअप बेस के ऊपर लेकर के आई हूँ। जो लोग भी चाहते हैं ना कि उनका मेकअप जो है फ्लॉलेस दिखे और बहुत ही मतलब अच्छा निकल कर के आए, तो उसके लिए आप सभी को ना एक ट्रिक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल ट्रिक है, क्योंकि मैं उसको खुद भी यूज करती हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सभी के लिए आज ईद बहुत अच्छे से गुजरे। और तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चम्मच बेसन लेंगे। मैं ये अपने फेस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप भी अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चम्मच यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। इसमें हमें सिर्फ तीन ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है यहाँ पर वो है ग्लिसरीन, ये भी मैं इसमें एक चौथाई चम्मच के करीब डालूँगी। आप देख सकते हैं, आपके पास कोई भी ग्लिसरीन होगी आप वो ले सकते हैं, वो इसमें डालेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पर गुलाब जल, इससे हम इसको मिक्स करेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेंगे। आप देख सकते हैं एक चम्मच के करीब मैंने गुलाब जल ले लिया है। अब इसको मैं इसमें डाल करके मिक्स करूँगी, अगर और ज़रूरत लगेगी तो और भी ले लूँगी। लेकिन इसको अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है, ताकि फेस पर लगाने में आसान रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको मैं अपने फेस पर लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप अपना फेस गीला करेंगे। फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का हमारे पास फेस वॉश ही बन करके तैयार हो गया है। तो खाली पानी से आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। मैं भी अपना फेस गीला करके आई हूँ, ताकि लगाने में आसानी हो। और हाँ गाइस, ये जो पेस्ट है ना, इसको कोई भी लगा सकता है, कैसे भी स्किन रहे किसी की, कोई भी लगा सकता है, क्योंकि ना ये ज़्यादा ऑयली करेगा, ना ये ज़्यादा ड्राइनेस देगा, और आपकी स्किन को और डीपली क्लीन कर देगा, क्योंकि इसमें गुलाब जल भी हमने मिक्स किया है। तो चलिए जल्दी से इसको लगा लेते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट नुस्खा है, जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ अपने फेस पर। और आप देख सकते हैं इससे मेकअप बेस आपका बहुत अच्छा निकल के आएगा। देखिए, ये मेरा पेस्ट है, बन गया है, रनी है हल्का सा। चलिए इसको लगा लेते हैं। इससे हमको मसाज करना है अपने फेस पर 5 to 6-7 मिनट। आप देख सकते हैं इसको पतला पतला लगाना है, ऐसे करके सब तरफ। ये एकदम आपके फेस को स्मूथ कर देगा। धीरे धीरे आप इसको जैसे स्क्रब करेंगे ना, बिल्कुल स्मूथ कर देगा आपके फेस को। इसका कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा। मेरा ये सबसे फेवरेट ट्रिक है, जब भी मुझे कभी मेकअप करना रहता है तो मैं इसी को लगाती हूँ। ये माइल्ड स्क्रब का काम करेगा आपके फेस पर, जितने भी आपके डेड सेल्स होंगे वो निकल जाएंगे अच्छे से, और आपके फेस को क्लीन कर देंगे डीपली, और हाइड्रेट भी करेंगे आपकी स्किन को ये। और इससे जब आप रात में मेकअप करेंगे ना अपना, तो बहुत ही सुंदर निकल के आएगा। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, तभी आपको विश्वास होगा, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ अपने फेस पर। आप देख सकते हैं, आपको 5 से 7 मिनट के लिए मसाज करना है, इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऑयली स्किन वाले भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसन मिलाया हुआ है ना, इसीलिए देखिए। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने अपना चेहरा धो लिया है। देखिए पानी गिर रहा है, मैं अभी धो धो करके आई हूँ अपना फेस।
वॉशरूम में देख सकते हैं। बिल्कुल अंदर से डीपली क्लीन किया है मेरे चेहरे को, आप देख सकते हैं बिल्कुल डीपली क्लीन किया है इसने मेरे चेहरे को। और हाँ, मैं ये बोलना भूल गई थी, अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन है ना, तो वो इसमें थोड़ा सा नीम का पाउडर मिला सकता है। अगर नीम का पाउडर नहीं है तो हल्दी भी मिला सकता है, लेकिन किचन वाला हल्दी नहीं, जो नेचुरल होगा ना, आपके घर का हल्दी रहेगा, वो आप एक चुटकी इसमें मिला सकते हैं। अदरवाइज नहीं है तो आप इसी से भी काम चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आपको बेनिफिट देगा। स्किन इसने एकदम अच्छा कर दिया है क्लीन, हाइड्रेट भी हो गई है, ग्लिसरीन इसमें मिला था। तो पोछ लेती हूँ अपने चेहरे को जल्दी से, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना चेहरा पोछ लिया है, आप देख सकते हैं ग्लो अभी से ही थोड़ी थोड़ी शाइन करने लग गई है। और अगर आप ऐसी स्किन पे मेकअप बेस अपना लगाओगे ना, तो बहुत खिलकर आएगा उसका जो लुक आएगा ना, बहुत खिलकर आएगा। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आपको तब विश्वास होगा। देखिए अब इसके बाद आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल या फिर आपकी कोई फेवरेट क्रीम है वो भी लगा सकते हो। और हाँ, अगर रात में आप मेकअप कर रहे हैं तो प्राइमर आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो प्राइमर ज़रूर लगाना ताकि आपका चेहरा और भी खूबसूरत दिखाई दे। तो चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता होगा तो।